कि वो कविता सुनने आ गए तो उसे तो गाली क्या देगी, बोले हरिओम पवार को सुनने गए थे गाली मुझे मिलेंगी। तो मंजूर जी आपको ये नहीं करना, मैं आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ बस। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंधे कई हिमालय शीश धरे, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी ताली। मैं बिल्कुल नहीं करता इसका, मंच पर भी कई लोगों ने नहीं सुनी, दादा वसीम साहब ने नहीं सुनी, सुरेश अवस्थी ने भी नहीं सुनी, संजय झाला ने नहीं सुनी, और विष्णु सक्सेना भी नहीं सुनी। और मैं इन लोगों से निवेदन कर रहा हूँ अपने छोटे भाइयों से कि ये ताली बजाए, क्योंकि मैंने इनकी उन गीतों पर ताली बजाई जो मेरी समझ में नहीं आई। समझ में तो आपकी भी नहीं आएगी, लेकिन बदला तो चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे, करनी पड़ेगी, वो तो मैं करवा लूंगा। पैरों में अंगार, ये हंसी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो बहुत अच्छा प्रभाव आप पर विष्णु डाल गया था वो थोड़ा कम हो गया। और तो और यहाँ तक ये तक कहा गया कि जो वीर रस के कवि कौन हुए, ये इधर लाल शर्ट वाला इतवार को हनुमान जी के कपड़े पहनता है। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर बांधे कई हिमालय शीश धरे, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी पर मानवों के गहने पहने बैठी है, एक एक पंक्ति पे मन मानता हूँ। वीर रस की कवियों को लोग ध्यान से इसलिए नहीं सुनते, उनको लगता है ये लोग नारेबाजी करते हैं। मैं शुद्ध गीत की आत्मा ला रहा हूँ, वीर रस की कविता में सुनेगा। नई सदी पर मानो बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, घाटी पर्वत नदी समंदर झरने सब पे नूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकना चूर मिले, कुदरत की मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला जा रहा हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ, मैं धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ, मैं धरती से आपका बड़प्पन, आप मेरा कहना मान गए, आप मेरा कहना नहीं मानते, मैं आपका क्या कर देता तो आगे डर में मैं बहुत गंभीर होके पढ़ता हूँ, इसलिए मैंने नई कविता लिखी, मैं चाहती हूँ इसको आप सुनो, ये मेरा विद्रोह है पूरी दुनिया के खिलाफ, मैंने जीवन भर विद्रोह गाया है, मैं आज पूरी दुनिया से विद्रोह कर रहा हूँ, सुनो। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, बंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, पंचशील से काबुल घाटी धुआं दिखाई देता है, मानव अधिकारों का अंधा धुआं दिखाई देता है, तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, खूनी बाजों के, और समर्थन मांगता हूँ पूरे सदन का, अगली पंक्तियां समझे तो, खूनी दो तमंचों घायल पर, अगली दो पंक्तियां सचमुच ठीक लगे,
आपको मन करना मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरा विषय समझ गए, फिर मैं अपनी बात आप तक पहुंचा लूंगा। तो कमंचों के बल दो कमंचों से घायल प्रवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। काबुल में जो रोज रोज ये पाप दिखाई देता है, शायद ये गंधारी माँ का शाप दिखाई देता है, नारी का तन मन पीड़ित घनघोर मिला, समावेश के संविधान को फाड़ दिया, बंदूकों पर खूनी झंडा गाड़ दिया, मैं आंसू में जीवन की अभिलाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता विद्रोह गाता हूँ। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के, तालिबान पर बोलता हूँ जिनको इतिहास की जानकारी हो वो मेरा साथ देना, वैसे मैं शुद्ध इतिहास कह रहा हूँ जो है। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं, ये भारत के जानहरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल में दूतावासों के विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, तालिबानों की बेशर्मी इनको शर्म नहीं आती, इनको जबकि लोकलाज की शर्म हो हया नहीं भाती, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती है दादी नानी, इनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, इनके दामन साफ समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, इनका दामन साफ समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, इनके पापों को अल्लाह भी माफ नहीं कर सकते हैं, काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, और अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है, मैंने भूख पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, और मैं 70 साल उम्र हो गई सुर सरस्वती जी, मेरे अपने मरे भी, अपने प्रिय से प्रिय जीवन में छोड़ के भी गए, शायद मैं कभी किसी भी दुख में इतना नहीं रोया होगा जो मैं एक दृश्य देख के रोया, आपने भी देखा होगा, किसी ने देखा हो तो मैं उस दृश्य को उठाता हूँ बस, और उस दृश्य ने मुझसे एक कविता लिखवाई है। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है, मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जहाँ बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती है, उछल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा में दोस्त गिनाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है, जो सत्ता जो हथियारों के बल पर सिंहासन पा जाते हैं, लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर राजभवन आ जाते हैं, उनको केवल अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का, जैसे छीना छिन जाएगा राजभवन सरताजों का, जैसे छीना छिन जा, वजह बता रहा हूँ और ताली मांगता हूँ आपसे, जैसे सबने मांगी मैं भी मांग रहा हूँ, उनको केवल अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का, जैसे छीना छिन जाएगा राजभवन सरताजों का, चाहे देख खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, चाहे देख खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता,
घायल शेर सवारों के खाने में देर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता। इनकी सत्ता सिर्फ नशे से चलती है, इनकी धरती गांजा भांग उगलती है। ये पूरी दुनिया को नशा पिलाते हैं, खुद जलते हैं और संसार जलाते हैं। मैं ऐसे इन ड्रगबाजों के पाप बताता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिरता हूँ। अब और मेरे साथ तैयार होना, इससे भी बड़ा विद्रोह करता हूँ। ठीक लग रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमरीका, किसने बनाए, किसने पैदा किए? 20 साल पहले किसलिए आए थे अफगानिस्तान तुम? तालिबानियों को समाप्त करने के। तालिबान समर्थन करना, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमरीका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमरीका, इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमरीका, अपनी खुद गर्जी में शोषण भूल गए क्या अमरीका, तुमको अपने पापों के ही यंग मिले हैं अमरीका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमरीका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमरीका, तुम अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमरीका। जिन्हें जिलाने जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिला कर चले गए, तुम भोले भाले अफगानी हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमरीकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ। मैं दुनिया को बदलाता हूँ अमरीका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई, और दो लाइन फिर दाग मांगते हैं जी भर के सदन का, मैं मुझे लगेगा अंतरराष्ट्रीय विषय पर आप मेरे साथ हैं। मैं बन दुनिया को बतलाता हूँ अमरीका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमरीका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमरीका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमरीका। अमरीका खुद अपनी ही चालों में झगड़े जाते हैं, इनके अश्वमेघ के सारे घोड़े पकड़े जाते हैं, यहाँ अमरीका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया। सच तो ये है अमरीका ने बहुत दोगला बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को। शोले दुनिया हो गई है दुनिया, पूरी बंदर बाट हो गई है दुनिया, गुंडों का गठजोड़ हो गई है दुनिया, हथियारों का होड़ हो गई है दुनिया, हथियारों का होड़ हो गई है दुनिया। मैं धरती को भगवत गीता ज्ञान सिखाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिरता हूँ। हारा तो भारत भी है, चारण है, भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, गया तो व्यापार है, पर कविता में लिखना अच्छा नहीं लगता। हमने उनकी संसद बनाई, हमने वहाँ बहुत काम किया, अब हमें कोई क्रेडिट भी नहीं देने को तैयार, लेकिन फिर भी आपको एक जानकारी देता हूँ, अफगानिस्तान आज भूखा नहीं मर रहा, उसका कारण है कि अनाज भारत अब भी भेज रहा है, अब भी भारत नहीं मर रहा। चार लाइन में भारत की स्थिति देखिए, असमंजस में क्या कर। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, जैसे शकुनी के, और अगली दो पंक्तियां और प्यार मांगती हैं, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का। अब मैं अंतिम छंद गाता हूँ, अब तक मैंने कई बार निवेदन किया, जबकि मेरी नेचर नहीं है कहने की ताली बजाओ, अब नहीं कहूँगा, अब एक बात कहूँगा, ताली बजाने से खुद को रोक के दिखा सको तो रोक के दिखा, और ये मैं ही कह सकता हूँ। आदरणीय कपिल जी, अगर मैंने आपकी ऑडियंस को कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं कायदा नहीं हो पाऊँगा, कायदा नहीं हो पाऊँगा। मन करे तो उछलना, मन नहीं करे तो मत उछलना। अब नहीं कहूंगा एक बार,
मैंने एक वाक्य पर कविता का अंतिम हिस्सा लिखा है। जब उनको 15 अगस्त को उनके पास पूरा काबुल आ गया तो तालिबानियों के प्रेस प्रवक्ता ने एक बयान दिया, अवर नेक्स्ट टारगेट इज द लिबरेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, वी विल हेल्प टू द ब्रदरहुड अवर ब्रदर्स फाइटिंग फॉर द फ्रीडम इन जम्मू एंड कश्मीर। ये उनके तालिबानियों के प्रेस प्रवक्ता का बयान है कि हमारा अगला लक्ष्य कश्मीर के उन साथियों की मदद करना है जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं अंतिम छंद उनके लिए सुना रहा और नहीं कह रहा हूँ कि ताली बजाना। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी कर्म तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर आकाश नहीं। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों, हम उनको जन्नत की 70। साफ सबको खड़ा नहीं किया तो मैं कविता पढ़ना छोड़ूंगा, ये कहने की हिम्मत विष्णु अगले जन्म में मिलेगी। लेकिन कविता पढ़ना छोड़ूंगा, हमने सबको खड़ा नहीं कर पाया। जो घुस बैठी गारूदी घाटी में गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, उस बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। बहुत कुछ सुनना है, थोड़ा एक मिनट और बस। भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, पूरी दुनिया को बदला दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, उन्हीं का उत्तर घर में घुसकर चोट देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बाला कोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बाला कोट से देना, पूरी का उत्तर घर में घुसकर जोर से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बाला कोट से देना सीख लिया। रावण पिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी रावल कोट दिखाई देता है, उनको सपनों में। और मुझे नहीं पता कैसे सुनेंगे, मैं एक पंक्ति गा रहा हूँ। अगर इस मुल्क में कोई 70 साल का कोड 370 हटा दे तो मेरी एक पंक्ति सुनने का उसे अधिकार हो जाता है, मैं आज सुना रहा हूँ। पूरी का उत्तर घर में घुसकर हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने कूटनीति से डर को दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर कश्मीर फाइल्स में जो देख रहे हैं ना आप, मैं 29 साल रोया उसको, 29 साल चीखा हूं मैं कश्मीर फाइल्स, कुछ भी नहीं कि मेरी करता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है,
दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, भारत की संसद ने कश्मीर खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है, मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है, मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है। रावलपिंडी हमको डरा नहीं सकती, दहशतगर्दी हमको हरा नहीं सकती, हम भी दुनिया के दादा हैं कि सुनाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिरता हूँ। अग्निवंश को बहुत बहुत धन्यवाद। एक जनता और सुनना चाहिए।